गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैस्टर ऑयल के क्या क्या यूजेस हैं, आप किस तरीके से कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। कैस्टर ऑयल के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके जो भी यूजेस है सारे यूजेस के बारे में हम शायद नहीं जानते, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कैस्टर ऑयल के जितने भी सारे यूजेस हैं, आप जितने भी तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वाउ स्किन साइंस कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल 100% नेचुरल है, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना है एंड इसके अंदर 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैस्टर ऑयल ही है, कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स, मिनरल ऑयल, सिलिकोन, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है। सबसे पहले आप इस कैस्टर ऑयल को अपनी नेल्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके नेल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो नेल्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आप हर रोज़ शावर लेने से पहले आधा घंटा नेल्स पर इस तरीके से कैस्टर ऑयल को अप्लाई करके रख दीजिए। इससे नेल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं हो जाते हैं। सो ये आप कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप अपने स्कैल्प पर कैस्टर ऑयल को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बॉल्ड पैचेस है, आप उन एरियाज पर कैस्टर ऑयल को कॉटन बॉल में डिप करके आप अप्लाई करके 1 या 2 आवर्स के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ओवरनाइट भी रख दीजिए एंड देन आप शावर ले लीजिए या शैम्पू कर लीजिए। कैस्टर ऑयल इन इट्स प्योर फॉर्म बहुत अच्छे से आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करता है। थर्ड जो तरीका है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा कम आई लैशेस हैं और आप अपने आई लैशेस को थिकर एंड वॉल्यूमिनस दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आई लैशेस पर कोट लगा सकते हैं कैस्टर ऑयल की हर रोज़ रात को सोने से पहले। और इसे करने से आपको 1 महीने में ही फ़र्क दिखेगा अपने आई लैशेस पर। ये बहुत अच्छा एक ट्रिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके बहुत ही पतली आई लैशेस है, कोई वॉल्यूम नहीं है आई लैशेस में, तो लेकिन आपको ये रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। और कैस्टर ऑयल पीओ फॉर्म में अगर आप अपने आई लैशेस पर अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको आईज में इरिटेशन या प्रॉब्लम नहीं फील होगी। सेम गोज विथ आईब्रोज, अगर आपके आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, आईब्रोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते आपको, आप उसे घने और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल को अपने आईब्रोज पर भी ब्रश करके हर रोज़ रात को सो सकते हैं। इससे भी आपके आईब्रोज पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिकर हो जाएंगे, 1 महीने में आप डेफिनेटली रिजल्ट नजर आएगी आपको। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक ऑयल है, तो आप इसे किसी दूसरे कैरियर ऑयल के साथ भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने हेड मसाज कर सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं। सो कोकोनट ऑयल इज़ रियली गुड, आप कोई भी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके कैस्टर ऑयल को अपने पूरे हेयर पर मसाज कर सकते हैं, स्कैल्प पर मसाज कर सकते हैं, अपने बालों के लेंथ पर मसाज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हेयर ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है और हेयर ब्रेकेज जो है वो भी कम हो जाता है, हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कैस्टर ऑयल के, और भी कई सारे स्किन बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कैस्टर ऑयल अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर फ्लेकी स्किन है, तो आप उन एरियाज पर कैस्टर ऑयल को अप्लाई करके जस्ट कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप उसमें साबुन भी लगा सकते हैं, इससे क्या है कि ड्राई चैप्ड स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। सो वाउ स्किन साइंस का ये जो कैस्टर ऑयल है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत मात्रा में है, तो ये मल्टीपल यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है फ्रॉम गुड क्वालिटी कैस्टर सीड्स। कोल्ड प्रेस्ड मतलब क्या कि इसमें जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीड से ऑयल, तब हीट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ कोल्ड प्रेस करके ही इसे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। हीट बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इसके जो भी गुण है ना वो इसके अंदर ही रहते हैं। कैस्टर ऑयल में रिकिनोलिक एसिड, विटामिन ई, मिनरल्स, कई सारे एसेंशियल फैटी एसिड जैसे ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे हेयर, स्किन, आईलैश, आईब्रोज, लिप्स एंड नेल्स को।
इनफैक्ट कैस्टर ऑयल आपके स्प्लिट एंड्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हेयर में वॉल्यूम ऐड करता है, आईब्रोज आईलैश हेयर में भी वॉल्यूम ऐड करता है, साइंस ऑफ एजिंग को भी डिले करता है। सो अगर आप इस कैस्टर ऑयल को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। मैंने इस कैस्टर ऑयल को वाओ स्किन साइंस के ऐप से जाकर परचेज किया है। मैंने ऐप डाउनलोडिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। आप गूगल प्ले स्टोर से वाओ ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड ऐप से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है, हैसल फ्री है, क्योंकि अलग अलग से कैटेगरीज है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर कॉम्बो किट्स, तो प्रोडक्ट आप ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ऐप से शॉपिंग करने पर आपको अलग से डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते हैं। वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स ही मेड इन इंडिया होते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है। इनफैक्ट द वर्कफोर्स करेंटली कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ वुमेन। ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया से सारे इंग्रेडिएंट्स सोर्स किए जाते हैं, वाटर इज यूज फ्रॉम हिमालयन स्ट्रीम्स। सो बहुत ही ज़्यादा सेफ है ये कैस्टर ऑयल या उनके प्रोडक्ट्स आपके स्किन एंड हेयर में इस्तेमाल करने के लिए। और हाँ, आप प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी को खुद पता कर सकते हैं। आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके का एक क्यू आर कोड रिसीव होगा। ये एक्चुअली क्यू आर कोड है, आप किसी भी क्यू आर स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद पता चलेगी। इनफैक्ट ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।